यूपी के आजमगढ़ से राज्य की एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकी सबाउद्दीन आजमी को पकड़ा है। सबाउद्दीन का कनेक्शन न सिर्फ सीरिया से जुड़ा हुआ है बल्कि छानबीन में यह भी पता चला कि सबाउद्दीन आजमी एआईएमआईएम का सदस्य भी है। पंद्रह अगस्त से पहले देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर सुरक्षा बलों से लेकर पुलिस तक हर संदिग्ध चीज पर कड़ी नजर रखे हुए है और शायद यही वजह है कि पटना हो या गुवाहाटी, कुछ भी पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर से चूक नहीं रहा है। ऐसी एक और सफलता यूपी एटीएस को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंगलवार को मिली, जहां पुलिस ने सबाउद्दीन आजमी नाम के आतंकी को पकड़ लिया है। पुलिस को सहयोगी एजेंसी की मदद से आतंकी सबाउद्दीन के छिपे होने की खबर मिली। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एजेंसीज ने बताया था कि ये आतंकी आईएसआईएस के विचारधारा से प्रभावित था। उसने व्हाट्सएप और विभिन्न सोशल मीडिया के बाकी माध्यमों की मदद ली। इनकी मदद से ये जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगा। बाकी लोगों को भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करने लगा था। एटीएस टीम को सबाउद्दीन के फोन में टेलीग्राम चैनल भी मिला है। अल स्क्वायर मीडिया नाम के टेलीग्राम चैनल में कई लोग जुड़े थे, जहां सबाउद्दीन आतंकी और जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आईएसआईएस के लिए तैयार करता। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।